साथियों, मैं प्रदीप नागर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बायो मंत्र में। और गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टिड्डे का जीवन चक्र। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी टिड्डे के सामान्य लक्षण, इसका जो वैज्ञानिक नाम है हीरोग्लाइपस निग्रोरिप्लेटस, या फिर हम कह सकते हैं हीरोग्लाइपस जो है बैनियान, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टिड्डे के जीवन चक्र के बारे में, बिल्कुल ठीक है। और इसमें हम जो है तीन अवस्थाओं में टिड्डा अपना जीवन चक्र पूरा करता है, अंडा, शिशु और प्रौढ़, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे इनको एक एक को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्वाइट के साथ में, जो कि हमारे फेवरेट गुरु कुमार गौरव सर का है, बार बार बोलते रहते हैं, ठीक है। तो मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। बिल्कुल जी हाँ, इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। स्टार्ट यहाँ पर देखिए, यह जीवन चक्र में तीन अवस्थाओं को प्राप्त करता है, ध्यान रखिएगा, अंडा, शिशु और प्रौढ़, तीन अवस्थाएं ये पूरा करता है। उसके बाद में ये क्या हो जाता है, वयस्क बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखें तो अंडे जो टिड्डा है इसके अंदर अपूर्ण रूपांतरण होता है। अपूर्ण रूपांतरण कैसे होता है कि सर हमें समझ में नहीं आया, अपूर्ण और दो प्रकार से जो है रूपांतरण होता है इन जीवों के अंदर, कीटों के अंदर, अपूर्ण रूपांतरण और पूर्ण रूपांतरण। पूर्ण रूपांतरण में आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुल जो है चार अवस्थाएं आती है। सबसे पहले अंडा आता है, लार्वा आता है, प्यूपा आता है और फिर वयस्क आता है। अगर इस तरीके से चारों अवस्थाओं को पूर्ण करता है तो उसे हम कहते हैं पूर्ण रूपांतरण, ठीक है, या हम कहते हैं कि पूर्ण कायांतरण, ठीक है। एक वर्ड और यहाँ पे आता है कायांतरण, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम देखें तो इसके अंदर हम टिड्डे की बात कर रहे हैं, तो टिड्डा किस तरीके से है तो अपूर्ण कायांतरण है, क्योंकि इसमें अंडा, शिशु और प्रौढ़ तीन अवस्थाएं आ रही है, चार अवस्थाएं नहीं आ रही है। बिल्कुल, अंडा जो है यहां पर देखिए, यहां पर लार्वा और प्यूपा के कारण इसको हम अपूर्ण रूपांतरण या अपूर्ण कायांतरण के नाम से जानेंगे। बिल्कुल जी हाँ, अंडे की बात हम यहां पर कर रहे हैं। सबसे पहले देखो अंडा कैसे बनेगा, अंडा कैसे बनेगा, तो देखिए मैथुन क्रिया करेगी, कौन, नर और मादा, दोनों के अंदर मैथुन क्रिया कई घंटों तक चलती रहती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर कौन से समय में करती है, तो ध्यान रखिएगा अंतिम सितंबर और प्रथम अक्टूबर के समय में जो है इस ऋतु में ये मैथुन क्रिया करती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में मैथुन क्रिया के बाद में नर जो है वो मर जाता है, क्या हो जाता है, नर का मृत्यु हो जाती है। अब देखिए जो अंडे बने हैं, जो अंडे बनेंगे यहाँ पर देखिए, दोनों के निषेचन से क्या बनेंगे, मैथुन क्रिया से अंडे बनेंगे, ठीक है। अंडा बनेगा, जब वो निषेचित हो जाएगा तो मादा क्या करेगी, अंडे देना शुरू कर देगी मादा। अब देखो जो यहाँ पर अंडा होता है, अब ये अंडा इसके कौन से भाग में उपस्थित होता है, जैसे कि हम जनरली देखते हैं तो ह्यूमन के अंदर अंडाशय में अंडा उपस्थित होता है, इसी तरीके से ह्यूमन के अंदर अंडाशय और यहाँ पर अंडकोष्ठ के अंदर अंडा उपस्थित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम कि अंडरोपक मतलब जहां पर अंडे का रोपण हो जाता है, ठीक है, अंडे का क्या होता है, रोपण होता है, तो उधर का अंतिम नवा और दसवां खंड जो है यहां पर अंडरोपक का है, ठीक है, अंतिम खंड जो जिसको हम जनन अंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जनन अंग में जो है अंडकोष्ठ उपस्थित होता है और एक अंडकोष्ठ के अंदर 40 अंडे होते हैं, कितने, 40 अंडे होते हैं। अब ये अंडकोष्ठ क्या होगा कि ये जो है पूरे के पूरे हम यहां पर देखें तो 9 महीने तक का समय लेती है। अब किस तरीके से लेती है तो उसको सारी चीजों को हम जो है डिटेल से यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो जब इन अंडों को या अंडकोष्ठ को क्या करेगी, सही मृदा मिल जाएगी, नम और मुलायम मृदा मिल जाएगी, तो इन अंडकोष्ठों को गड्ढा बनाकर गिरा देती है मादा टिड्डा, ठीक है। अब गड्ढा कैसे बनाएगी भाई, ये गड्ढा बनाती है पैरों से और जो इसका होता है सिर वो ऊपर होता है, ठीक है, पैरों से गड्ढा बनाएगी, सिर ऊपर होता है और ये चारों ओर घूमती रहती है जिससे एक गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में इन अंडकोष्ठों को गिरा देती है। गिराने के बाद में इसका जो जनन छिद्र होता है उस जनन छिद्र से एक जागदार द्रव निकलता है जो कि सूखने के बाद में सीमेंट की तरह उस पर जम जाता है और इस तरीके से हम देखें तो सर्दी और गर्मी ऋतु में 9 माह तक ये अंडकोष्ठ पड़ा रहता है। बिल्कुल जी हाँ, सर्दी और गर्मी में 9 माह तक जो है ये अंडकोष्ठ पड़ा रहता है। उसके बाद में आता है अंडे से या अंडकोष्ठ में जो अंडे उपस्थित हैं उनके अंदर क्या बन चुके हैं, शिशु बन चुके हैं, 9 माह के हो जाते हैं, ठीक है। वही सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, ह्यूमन के अंदर भी 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है, सेम उसी की तरह यहाँ पर जो है 9 माह के अंदर शिशु का जन्म हो जाता है। जैसे ही वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु
में जो नमी होती है या जो जल होता है वो अंडकोष्ठ के संपर्क में आता है और जो अंडकोष्ठ में उपस्थित अंडे हैं वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद में पंख रहित तो शिशु बाहर निकलते हैं। इनके पंख नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं इसलिए ये उड़ नहीं पाते हैं और इधर उधर क्या करते रहते हैं, फुदकते रहते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए। ठीक है, भोजन के लिए फुदकते रहेंगे और जैसे ही इनको भोजन मिलेगा इनके आयतन में इनके शरीर में वृद्धि होने लग जाती है और वृद्धि होने के बाद में इनका जो प्रथम बाह्य आवरण है त्वचा का जिसको हम कहेंगे यहाँ पर काइटिन का बना हुआ होता है, उस काइटिन के आवरण को ये त्याग देते हैं और नया आवरण जो है ये धारण कर लेते हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं निर्मोचन। क्या कहते हैं मेरे भाई? निर्मोचन कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आगे देखेंगे हम कि शिशु से वयस्क बनने के लिए, शिशु से वयस्क जब ये बनता है तो 5 से 6 बार निर्मोचन करता है। कितनी बार? 5 से 6 बार निर्मोचन करता है और दूसरा जो निर्मोचन होगा उसके अंदर दोबारा से इनके अंदर पंखों का विकास होने लग जाएगा। किसका विकास होने लग जाएगा? दूसरे निर्मोचन में पंखों का विकास होने लग जाएगा। और इसी तरीके से हम देखें तो शिशु से वयस्क बनने में नर को 70 दिन का टाइम लगता है जबकि मादा को 80 दिन का टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक है, नर शिशु से वयस्क बनने में नर को 70 दिन का जबकि मादा को 80 दिन का समय लगता है। ठीक है, तीसरी अवस्था हमारे पास में आती है प्रौढ़ या एडल्ट, हम इसको कहेंगे प्रौढ़ या एडल्ट अवस्था में क्या होगा कि नर की मृत्यु हो जाएगी। तब मैथुन क्रिया के पश्चात हमने देखा था, ठीक है, अंडे अवस्था में। ठीक है, अब देखो यहां पर नर की जो है मृत्यु हो जाती है मैथुन क्रिया के पश्चात, लेकिन मादा की हम बात करें तो अंडकोष्ठ या अंडे देने के बाद में मादा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में हमने देखा था यहां पर, ठीक है, जब मादा क्या कर देगी? अंडे दे देगी। ठीक है, अंडे दे देगी, उसके बाद में मादा की भी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरीके से हम देखे हैं तो यहां पर वर्ष में सिर्फ नर और मादा की एक ही पीढ़ी पाई जाती है या टिड्डे की एक ही पीढ़ी पाई जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारे पास में आता है कृषि में महत्व क्या है इसका। ठीक है, टिड्डे का क्या महत्व है कृषि में, तो उस पे भी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।